अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो यार शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सर भी मैं छत पे आया हूँ, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। अभी 5 बजे का टाइम होगा और बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं। यार अभी हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन सूरज है ना वो अभी निकला है, लेकिन इतनी धूप नहीं है। सूरज के सामने बादल आ जाते हैं, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही। अब पता नहीं है कब बारिश हो जाती है, कब नहीं होती, कब मौसम बन जाता है बारिश का, कब नहीं बनता। फिर पीछे आप मौसम देखेंगे कितना अच्छा मौसम हो रहा है माशाल्लाह से, फुल हरा हरा हुआ है। आपको याद होगा यहाँ जानवर भी दोपहर को ये चरा रहे होते हैं, बाकी वो देखें यार वो भी चील बैठी हुई है वहाँ। ये मेरे ख्याल से इनको चील को एक कुछ डालते होंगे, सैसे यहाँ आ जाती होगी। हर रोज यहाँ बैठी होती है। अब ये भी नॉर्मल चील है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है। बाकी आप पीछे यार व्यू चेक करें, ऐसा अच्छा व्यू आ रहा है माशाल्लाह से। यार ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, कब कब बारिश होती है कब बारिश नहीं होती इसका तो समझ नहीं लगती। बाकी जब से हमने पौधों को वहाँ शिफ्ट किया है ना, कुछ पौधे हैं जो सही हो रहे हैं, कुछ पौधे नहीं हो रही। जिस तरह जो इतना बड़ा पौधा था मैंने आपको दिखाया था शैंक में, वो भी पता नहीं उसकी समझ नहीं लग रही, वो भी सूख रहे। बाकी एक जो हमारी मिर्चियाँ थी वो भी सूख रही, उनकी भी समझ नहीं लग रही। बाकी एक जो आम लाए थे ना वो जल थी, वो भी हरी हो गई है, उसका भी फ़ायदा हुआ है। कुछ कुछ चीज़ें सही हो रही, जिस तरह गुलाब है गुलाब भी सही हो गए, उसकी भी समझ नहीं लगती। कुछ चीज़ें सही हो गई, कुछ चीज़ें जिस तरह सूख रही हैं। ओ भाई ये इसको देखो, इतने मोटे मोटे इतने मोटे मोटे पत्ते तो इसके भी नहीं है। मेरे ख्याल से वो उससे ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखें इसके भी इतने मोटे पत्ते नहीं, इसके भी ये देखिए ऊपर से हरा हो गया माशाल्लाह यार, कितना खूबसूरत लग रहा है। बाकी ये देखें ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और भाई ये देखो एक और आम निकल आया, ये देखें भाई आम ही आम होंगे, सोचे आम हम बैठ के खा रहे होंगे। तो यार ये देखें आप, बाकी ये करेले की बेल जा रही है, ये देखें ये करेले की बेल है। जब ये इस पर फल लगेगा तब ये बढ़ जाएगी। यार आपको याद होगा मैंने अपने भाई के साथ प्रैंक किया था, ये देखें ये बड़ी होगी ना मैं इसका दोबारा करूँगा। और बाकी ये आपको पता है ये करेले हैं, ये देखें यार माशाल्लाह तकरीबन इससे बाहर ही निकल गए, इसकी लंबी लंबी बेलें जा रही हैं। और माशाल्लाह से ये देखें भाई हर चीज़ हरी हरी नज़र आ रही है। बाकी ये देखें ये भी हरा हो गया, इसके पत्ते भी हरे हो गए, मैंने आपको बता दिए। देखें ये भी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। बाकी ये देखें भाई हमारा गुलाब फाइनली उगाया, ये देखें बस ये लाल होगा तो फिर एकदम से फिर उसकी खुशबू आएगी। अभी भी देखें सफ़ेद हो गया है, अभी सफ़ेद अभी एकदम से ये लाल होगा। एक ये देखें बाकी तीसरा ये, अभी लाल होंगे ना फिर मैं आपको भी दिखाऊंगा, फिर भी इतनी अच्छी खुशबू आती है इससे। बाकी मैं आपको इसके अपडेट देता हूँ यार, भाई इसके यहाँ ऊपर आपको याद होगा दो थे पता नहीं कहाँ गए। मेरे कहते जैसे जैसे मौसम चेंज होता रहता है इसी तरह से इसके जो फूल हैं वो भी गिरते रहते हैं। बाकी ये इसके एक ये नया फूल आ रहा है, इसका दो फूल आ रहे हैं। बाकी नीचे इसका एक फूल लगा हुआ है, ये देखें नीचे भी इसका एक फूल लगा हुआ है माशाल्लाह। बाकी ये हमारी मिर्ची सूख गई है, ये देखें ये पता नहीं क्यों सूखी है। मेरे ख्याल से इसको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो इसके पत्ते भी नहीं आ रहे, बाकी इसकी लकड़ियाँ ये भी सूख रही हैं। बाकी आप ये देखें यार इसके ये पत्ते ये भी सूख रहे हैं, समझ नहीं आ रही इसको कहीं और शिफ्ट करेंगे। जहाँ पहले थी तब ये सही थी यहाँ से मेरे ख्याल से। बाकी इसको भी देखें यार इसके भी सूख रहे हैं पत्ते, समझ नहीं लग रही किस बात से सूख रहे हैं। बाकी इसमें यार कुछ समझ नहीं लग रही, इसमें भी सब्जियाँ उग रही हैं, फिर ऐसे ही ये कुछ उग रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या हो गया। बाकी आपको ये दिखाता हूँ मैं कितना हरा हो गया माशाल्लाह से। आपको याद होगा जब हम लाए थे उसके एक दो दिन बाद ये फुल ब्राउन हो गया था, लेकिन आप देखें उसी तरह हरा हो गया जिस तरह जिस दिन हम लाए थे। तो यार बाकी मैं जब से हमने यहाँ शिफ्ट किया ना इनको, जब से इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया था ना, ये देखें इतना बड़ा पौधा गया, ये देखें इतना बड़ा पौधा है, सूख गया, पता नहीं समझ नहीं लगती है कि सूख गया। कुछ चीज़ें ये देखें जिस तरह ये हरा हो गया, ये सूख गया, मिर्चियाँ सूख गई हैं, उसके फ्लावर निकल आए, समझ नहीं लग रही कि किसको वहाँ रखें किस किसको यहाँ रखें। यहाँ रखने से भी सही है, वहाँ रखने से भी सही है। बाकी हमारी मिर्ची देखें माशाल्लाह से भी बड़ी हो रही है। बाकी हमारा खजूर है, ये भी खजूर है माशाल्लाह। बाकी इतना बड़ा हो गया सूख गया, बाकी इसका छोटे वाला ये है। बाकी ये देखें ये भी मिर्ची है, ये एक ये दो, बाकी ये सब बाकी ये भी कुछ उग रहे हैं, सब्जी उग रही है कुछ। बाकी हमारा ये देखें भाई ये भी फुल हरा हरा हो गया, कुछ घास आप देख रहे हैं ना घास उग रहे हैं एक, ये देखें बाकी ये इसके ऊपर भी छोटे छोटे बीज उग रहे हैं। ये देखें ये भी इसका ये भी इसी लकड़ी के अंदर से निकल रहा है अभी मसाला, इसके पत्ते आना शुरू हो गए। बाकी यार जो मैंने उगाया था ना ये इसमें अभी तक कुछ नहीं होगा, इसको मेरे ख्याल से अभी एक और हफ्ता लगेगा शायद। फिर मैंने आपको सारे पौधों की अपडेट दे दी है। फिर अभी बाकी आपको मौसम की सूरत हाल भी देता हूँ, बहुत अच्छा मौसम हुआ है, हवा चल रही है,
अच्छा जब शाम को मैं आपको पता है मैं आता था तब गर्मी होती थी, अब गर्मी नहीं हो रही। यार दो दिन में मैं व्लॉग नहीं बना पाया यार, तो यार उसके लिए माजरा। यार अभी इंशाल्लाह हर रोज़ व्लॉग बनाया करूँगा, बस थोड़ा बहुत बिजी होता हूँ ऐसे व्लॉग नहीं बना पाता। तो यार अभी क्रिकेट खेलते हैं, मेरा बड़ा भाई भी ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये और मैं अभी क्रिकेट खेलेंगे। ये बॉलिंग कराते हैं पहले, फर्स्ट बैटिंग मेरी होती है, सेकंड उसकी होती है। फिर बल्ला हमारा चिर गया, ये देखें थोड़ा सा। यार समझ नहीं लग रही कौन सा नया बैट लेना, इंशाल्लाह नया बैट भी लेना है हमने और नया फुटबॉल भी लेना है इंशाल्लाह। क्रिकेट तो हम खेलते रहेंगे। तो यार आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मुझे आज के लिए ज़्यादा नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए ज़्यादा अल्लाह हाफ़िज़। और यार मैंने देखा 60% लोग ऐसे सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, वो देख के चले जाते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, अगले कॉन्टेंट में, अभी के लिए ज़्यादा अल्लाह हाफ़िज़।